नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है विरार से, जहां विरार के अरनाला पुलिस स्टेशन की हद में अरनाला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बीच पर बने रिसोर्ट में छापेमारी की और वहां से फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 47 युवक युवतों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि अरनाला की हद में आने वाले ओएसी पेंटबॉल अरेना फार्म हाउस राजौड़ी बीच के पास जो स्थित है, उस फार्म हाउस से पुलिस ने 37 युवक और 10 युवतियों को गिरफ्तार किया। ये लोग ऑस्ट्रेलियन और दूसरे देश के पेपल का इस्तेमाल करके लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनकी गोपनीय जानकारी ले लेते थे और उसके बाद में ये गोपनीय जानकारी थर्ड पार्टी को दे दी जाती है। ऐसी जानकारी सामने आई है। कल सुबह जल्दी सुबह पुलिस ने छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने, जैसा आगे बताया, 37 युवक और 10 युवती, कुल 47 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि ऐसी भी जानकारी सामने आई कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड जो है वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया और इन सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया और इनको वसई न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय से इनको आगे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। फिलहाल ये पुलिस कस्टडी में है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। इन आरोपियों के पास से पुलिस को 16 लाख से अधिक का मुद्देमाल भी मिला। जो मुद्देमाल ये लोग इस्तेमाल करते थे, कंप्यूटर वगैरह, वो सब भी 16 लाख से अधिक का मुद्देमाल इस्तेमाल हुआ है। पुलिस सबको स्कैन कर रही है और आगे की जांच जारी है। आप जो वीडियो और तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी पल की है जब इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था, तब की। इसमें कैसे ये लोग अपना चेहरा छुपा रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कितने लोगों की आइडेंटिटी है उसको जाहिर किया है, यही लोग जान सकते हैं। अब इनके ऊपर जो भी कार्यवाही है कानूनी, वो कार्यवाही होगी, लेकिन पुलिस ने कहीं न कहीं एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश करके काफी सराहनीय काम किया। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786